स्थूल शरीर यही रहेगा और सूक्ष्म शरीर से ट्रेवल होता है, और ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर आपस में जुड़े रहते हैं एक सिल्वर कोड के द्वारा। सिल्वर कोड क्या है? दो शरीरों के बीच में चेतना का कम्युनिकेशन है। ये मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, आप इसको देखकर इसको समझ लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही यहां से चेतना निकलती है और एक सूक्ष्म कोड के द्वारा दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने दिखाया था कि किसी व्यक्ति को जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करवाते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, तो वो व्यक्ति यहां पड़ा रहता है, मतलब हमारे सामने होता है, एट द सेम टाइम वो ऊपर से भी चीजों को, मतलब एस्ट्रल ट्रेवल करके उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो यहां से बाहर निकल जाता है, और वो सामने भी है हमारे फिजिकली, उसका स्थूल शरीर हमारी आंखों के सामने होता है और सूक्ष्म शरीर जो है वो ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल आया था इसके अंदर कि होता कैसे है, हाउ डज दिस हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति तो आपके सामने पड़ा हुआ है और आप उससे सवाल जवाब कर रहे हो, और व्यक्ति हो सकता है कि ऊपर की बड़ी बड़ी बातें समझा रहा हो कि उसको ये दिखाई दे रहा है, उसको वो दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे किया जाता है? देखिए, कैसे किया जाता है, इसकी टेक्निक, इसका नाम है एस्ट्रल ट्रैवल। इसको करने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो मैंने एक दूसरे वीडियो में शेयर किए कि एस्ट्रल ट्रैवल कैसे किया जाता है। इस वीडियो की टेक्निक मैंने नीचे, इसका जो लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इससे बात भी कर रहे हो, इसका शरीर हिलजुल भी रहा है और ये व्यक्ति ट्रांस में भी है और एस्ट्रल ट्रैवल भी कर रहा है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तो शरीर हिलता जुलता नहीं है। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, पहली बात तो करिए आप, अगर आपने अनुभव नहीं किया तो इस साइंस को समझिए, तभी आपको ये बात पल्ले पड़ेगी, क्योंकि केवल बातों से बातें नहीं हुआ करती। डू इट एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट, फिर आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब स्थूल शरीर यही रहेगा और सूक्ष्म शरीर से ट्रेवल होता है, और ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर आपस में जुड़े रहते हैं एक सिल्वर कोड के द्वारा। सिल्वर कोड क्या है? दो शरीरों के बीच में चेतना का कम्युनिकेशन है। ये मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, आप इसको देखकर इसको समझ लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही यहां से चेतना निकलती है और एक सूक्ष्म कोड के द्वारा दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। और जब ये कम्युनिकेशन होता है तो एक तरफ सूक्ष्म शरीर अनुभव कर रहा होता है, वो आत्मा नहीं निकल जाती। कुछ लोग कहते हैं आत्मा तो निकल गई, ये शरीर कैसे बोल रहा है, आत्मा नहीं निकलती। यही मैं क्लियर कर रहा हूं। तो सूक्ष्म शरीर बाहर है, स्थूल शरीर सामने है, ये सूक्ष्म शरीर यात्रा कर रहा है। हमारी चेतना दोनों में विभाजित है, यहां भी है क्योंकि यहां से बोला जा रहा है, और वहां भी है क्योंकि वहां अनुभव किया जा रहा है। इस चीज को समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा हमारे इन वीडियोस के बारे में। इन वीडियोस का लिंक नीचे दिया हुआ है, एक बार इस समझ के साथ अभी वीडियोस को आप देखेंगे तो बहुत सारे अनुभव को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कितनी ब्यूटीफुल ये आर्ट है। एक बार फिर आपको इसके साथ जुड़ा हुआ एक अनुभव बता दूं, इसको प्रैक्टिकली मैंने कई तरीकों से प्रूव किया है। उदाहरण के लिए, मैंने अपने ऑफिस में एक पंखा, जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा होता है, उस पंखे के पर के ऊपर एक नंबर लिख दिया जो कि नीचे से दिख ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से आपका हाथ इस पंखे तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति को हमने नीचे लेटाकर और नीचे से उसको कमांड दिया कि अब तुम एस्ट्रल ट्रेवल करके ऊपर जाओ और इस पंखे के ऊपर से वो नंबर पढ़ो। ये नंबर केवल तभी पढ़ा जा सकता है जब आप इस पंखे को ऊपर से देखेंगे। उसकी चेतना को हमने ऊपर भेजा और ऊपर से वो नंबर पढ़वाया, इसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो मैं आपको सिर्फ, मैंने पहले भी शेयर की है बहुत सारी चीजें, लेकिन लोग बार बार प्रूफ मांगते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि ये कैसे होता है। एक साइंस है, ब्यूटीफुल साइंस है। आपको समझ में आए यूज कीजिए, नहीं आए तो बिना समझे फालतू कमेंट मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बकवास है, ये है, वो है, ये सब क्या है, ये सब बाबागिरी है। आपकी मर्जी, इफ यू वॉन्ट इट, अगर आपको समझ में आए तो इस्तेमाल कीजिए और ना आए तो रहने दीजिए। आप एक बहुत बड़ी चीज से वंचित रह रहे हैं, बस मैं इतने आपको कह सकता हूं। समय आपको बताएगा कि चीज की कीमत क्या थी। बस अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आपके डाउट क्लियर किए होंगे। नीचे वाले वीडियो को एक बार फिर इस नए पर्सपेक्टिव से देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसमें एक और बड़ी प्यारी चीज है, ये लड़की जब उस चेतना इसकी ऊपर के लेवल पर पहुंच जाती है तो वहां पर ये परमात्मा का निराकार रूप से जुड़ पाती है। ये परमात्मा का जो निराकार रूप है, ये एक्चुअली आपका ही अवचेतन मन हो सकता है। अवचेतन मन ही जुड़ चुका है पूरी तरह से, तो अवचेतन मन के थ्रू संकेत आने लग जाते हैं, संदेश आने लग जाते हैं। इसलिए जो कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि क्या ये परमात्मा को देखा जा सकता है, अरे बड़े बड़े योगी नहीं देख पाए, ये लड़की कैसे देख सकती है? देख सकती है।
आप अपने अवचेतन मन को तो देख ही सकते हो ना, किसी और को देख पाओ या ना देख पाओ, और अवचेतन मन अनंत शक्तियों का भंडार है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। अनंत शक्तियों का, उसके पास आपके हर सवाल का जवाब है। तो आप समझ पाओगे ये अवचेतन मन ही परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर इस अवचेतन मन से कनेक्टिविटी हो जाए तो यूनिवर्स के मैसेज आपके भीतर आ सकते हैं, आने चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो बुराई क्या है। इस चीज को अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को अप्रिशिएट कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।